हेलो जी, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। आ चुके हैं हम फिर एक नए वीडियो के साथ। आपको मजा आता है वीडियो में तो हमें कमेंट करके बताइए, नहीं मजा आता तो भी बताइए, और नहीं मजा आता है फिर भी चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए हैं या पुराने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भोसड़ी के नखुआ में वो रात को मादरचोद सपने में आए, मादरचोद के दो क्या कहते हैं उनको, दो सूंड़ों का लंड घुस गया रोसड़ी का। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। नखुओं में जाम हो गया है, बकचोदी तो करनी पड़ेगी। अब हम फिर लगाएंगे आज दो चार लोगों की वाट और आपको मजा दिलाएंगे, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और भोसड़ी का मेरा माँ का भोसड़ा। आज भोसड़ी क्या बोल रहा हूँ, दिमाग का भोसड़ा हो चुका है मेरा, दिमाग का भोसड़ा। कल भी हुआ था, आज भी हुआ है, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे मेरे वीडियो में। क्या व्यूज नहीं आ रहे, क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आता। तो उससे पहले आपको मिलाता हूँ एक गुलाबी पांडा से। शाल भोसड़ी का कर कर आई ये मादरचोद का गुलाबी पांडा। भोसड़ी के पांडा घर पे नाच लियो, रोड पे नाच रहा, किसी बच्चे ने देख लिया ना तो कहेगा मम्मी मम्मी टेडी बियर चाहिए, तो जिगाड़ के बल उठा के धर के ले जाएंगे। अरे बाप रे, मम्मी पापा उनके, और भोसड़ी का नहीं तो मम्मी पापा नहीं ले जाएंगे, गलती से गुत्ते उत्ते चिपक के चिथोट डालेंगे तो भोसड़ी म्यूनसिपालिटी वालों को धर के ले जाना पड़ेगा। भोसड़ी का रोड है ये, कोई तेरा घर थोड़ी है, एक कमरे में बंद होके नाच रहा है। लम्हा लम्हा लम्हे लम्हे तो सब दूर हो जाएंगे। ये कौन सा पक्षी है वो सड़ी का गगन में उड़ रहा है कि मतलब जमीन में घिसट रहा है, केचुआ है का? बहुत सड़ी का 360 डिग्री कैमरा लगा के मतलब रिकॉर्ड करके भोसड़ी के गांव से गू निकल आएगा। मादरचोद उड़ने की कोशिश भी ना करियो, ये हाथ है पंख नहीं। इतना प्यार किसी से पहली बार आ रहा हो, ला 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 ला। भोसड़ी का आजकल की लेडीज भी मतलब किस जगह पे जा रही है, किस किस माइंड पे है। भोसड़ी का बकरा सिर आ जाएगा, बकरा सिर आ गया ना तो मादरचो टुड़ी सी ऊपर निकल जाएगा क्या? मादरचो बकरों से खेल कर रही है, उनकी तरह नकल कर रही है। ये भोसड़ी गाना था या भोसड़ी का और कुछ था, मुझे समझ में तो ना आया ये भोसड़ी का। पर लेकिन गाइस, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा हो क्या है मतलब, तो कमेंट करके जरूर बताएं। इंसानों से ज्यादा सुर तो ये बिल्ला और बिल्ली लगा रहे हैं, दो तड़क तटाणी। अब मैंने क्या बोला भोसड़ी का मुझे खुद नहीं पता, पर लेकिन ये बकचोदियाँ चलती रहती हैं वो, और मैं उनकी तरह करने की कोशिश भी नहीं करूंगा, तो बकचोदियाँ चलती रहा थेंगी। और अरे कहना क्या चाहते हो, अज्जा चुदवे खिलाने सबकी तैयार रहा थे गई, तो आप वीडियो में बने रहें, अभी ख़त्म थोड़ी हुआ है। सोच रहे बकचोदी पढ़ रहा हूँ तो ख़त्म हो गया क्या? मैं पूरा अभी गांड मार के छोड़ूंगा सबकी। लोग तो तसल्ली देवे, साथ तो भाई देता है। राजदार सा मेरा, ओए मेरे राज तेरे बाप रे। ये भोसड़ी का कौन सा प्राणी है अभी, वो भोसड़ी का अजीब सा पक्षी हो रही है, कौन सा प्राणी? मादरचोद की शकल तो दिखना रही, ये भोसड़ी का काला काला मादरचोद, ये क्या एरोकोंडा के भोसड़ी का एरोकोंडा का बच्चा है क्या? गजब बेइज्जती है। ओ एरोकोंडा, हाँ भोसड़ी का शरीर के फ्रोरियाँ खड़ी हो गई, मादरचोद कहाँ कहाँ से आ जाते हो।
भोसड़ी का हालत बना बना के सुधर जाओ। यहीं पे भोसड़ी थोड़ी खत्म होता है अभी, और बाकी है भोसड़ी का ये एक और। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक। अब हो गया भोसड़ी का बेड़ा पार, अब तो सब जाओ लाड़ा चाटने। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। ओ, संगीत की कर दी म्यूजिक की माँ बहन इनने भोसड़ी। कल कल के लौंडे भी मतलब अरिजीत सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग जाओ, भोसड़ी का कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। अपनी घरवाली के साथ पढ़ो और लेटो और सो। अभी तो फिलहाल सुबह हो रही है, शाम को लेटना और जो भी करना है करो। पर भोसड़ी का ये तो मतलब दुनिया की बाट लग गई, अब कुछ होने का नहीं है। और लौड़ा चाटो या कुछ भी चाटो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब तो भोसड़ी के दुनिया में कुछ भी हो रहा है। पर मजाक कर रहा हूँ, मैं थोड़ी चाटूंगा, मैं थोड़ी चाटूंगा। खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। पर लेकिन उसने गिटार हिलाया, तुम और कुछ मत हिलाने लगना। तुम भी अरिजीत सिंह मत बन जाना, तुम सोचो कि मेरे पास गिटार तो है नहीं, मैं और कुछ हिलाने लगूँ, उससे काम नहीं चलेगा। लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। और उससे पहले क्या कहते हैं, कमेंट करिए। क्या कमेंट करके बताइए कैसा लगा, नहीं बताओगे तो हम अफ्रीका आपके ऊपर नहीं, आपके ऊपर का है, आप तो हमारी ऑडियंस हो ना। आप तो फिलहाल चलते हैं, बाय बाय। हेलो अरिजीत सिंह, अब तुम पढ़ के सो, तुम्हारा कुछ काम नहीं है, ब्लाउंड आ चुका है, गाना आना हो गएगा।